भाई पिज़्ज़ा खाएं, पास्ता खाएं, अला भला जो दिल में आए वो खाएं, लेकिन जो मज़ा देसी फूड खाने का है वो कहीं नहीं। इसीलिए आज हम मौजूद हैं मेलबर्न के मशहूर ज़माना फूड ट्रक पार्क में, जहां पर इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी हर किस्म का देसी फूड खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो भाई हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पे जहां पे चेन्नई के डोसा और इडली से लेके अमृतसर के छोले भटूरे तक हर चीज़ मौजूद है। आपको चाहिए कराची की मसालेदार बिरयानी या आपको चाहिए लाहौर के पराठे, सब कुछ मिलेगा। चलें चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं रश बहुत है भाई, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे पार्क करने को जगह नहीं है। हेलो, कैसी हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका ताल्लुक कहाँ से? हमारे पाकिस्तान। पाकिस्तान से? जी। पाकिस्तान में कहाँ से होती हैं? कराची। कराची से होती हैं, और कराची की मसालेदार बिरयानी जो है वो आपने मेलबर्न में इंट्रोड्यूस करा दी है। जी, कुछ बताएं उसके बारे में, ये सफर कैसे हुआ आपका? हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर इन फ्रॉम इन मई से स्टार्ट किया था, तो हम लोगों को मोर देन वन ईयर हो चुका है यहाँ पर। सो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमारी पॉपुलर है हमारी बिरयानी भी। एंड देन रिसेंटली हम लोगों ने एक और बिरयानी इंट्रोड्यूस करवाई है विच इज़ दम बिरयानी है, तो वो भी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। तो हम लोग एवरी फ्राइडे स्पेशल रखते हैं दम बिरयानी। एंड देन हमारा पराठा रोल भी काफ़ी फेमस है हमारा। ये हैदराबादी बिरयानी है चिकन की, जो कि हमारे एवरी फ्राइडे हमारे पास स्पेशल होता है ये। और ये हमारी चिकन कढ़ाई है जो कि डेली बेसिस पे मिलती है। ये हमारी मैंगो लस्सी है, एंड इधर इस प्लेट में आपको मलाई बोटी एंड देन टिक्का है। ये मलाई बोटी, टिक्का, बिरयानी, कढ़ाई और मैंगो लस्सी, भाई हर चीज़ जो आप कराची में चाहते हैं वो यहाँ मेलबर्न में आपको मौजूद है। चिकन बिरयानी चेक करें बॉस, टू गुड। वाह वाह, टू गुड, ऑसम, जबरदस्त, मजा आ गया। तो भाई हम मौजूद हैं टमी टॉपर्स में, और यहाँ पे बॉबी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बॉबी भाई कहाँ से? भाई मैं अगर बैकग्राउंड की बात करें तो मैं पंजाब से हूँ, जलंधर से। जलंधर से? हाँ जी, बिल्कुल। और ये आपके पास जो जो बबल टी और जो आइसक्रीम की स्पेशलिटी आपने इंट्रोड्यूस कराई है मेलबर्न में, हाँ जी, इसका क्या राज है, क्या इसके पीछे बैकग्राउंड क्या, पहले तो ये बताएं। बेसिकली आई वाज इटालियन शेफ। ओके। बैकग्राउंड जो मेरी है, मतलब एज अ शेफ हूं मैं। अच्छा। और उसके बाद में जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया, आई थिंक मोर देन अ ईयर अगो। अच्छा। देन मैंने इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट की, रोल्ड आइसक्रीम कैसे, क्या चीज है, मतलब इसको कैसे इनोवेटिव और किया जा सकता है। ओके। तो इसमें मैंने थोड़ी सी इंडियन फ्लेवर लाने की कोशिश की। सही है। जिसमें रस मलाई की आइसक्रीम, गुलाब जामुन की आइसक्रीम, गाजर हलवा की आइसक्रीम, मतलब ऐसी कुछ इनोवेटिव सी चीजें हैं इसमें। ओके। काफी स्पेशल है हमारी। तो ये बताएं कि हम ये रोलीज आइसक्रीम कैसे बनाने वाले हैं, आप बना के दिखाएं हमें। ओके, आप, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हमारे पास काफी सारी वैरायटीज है रोलीज में, ठीक है, तो आप कौन सा फ्लेवर खाना पसंद करोगे? मतलब आप ये बताएं कि आपका सबसे ज्यादा चलने वाला फ्लेवर कौन? यहाँ पर सबसे ज्यादा जो लोग अपने बंदे पसंद करते हैं वो रस मलाई की आइसक्रीम। रस मलाई की आइसक्रीम, तो चले आज रस मलाई की आइसक्रीम देखते हैं कि बॉबी कैसे बनाते हैं। रोलीज आइसक्रीम जो है वो तैयार हो रही है। वैसे तो रोलीज आइसक्रीम आपको कई जगह और भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो स्पेशलिटी है वो ये कि जो देसी डेजर्ट है हमारी रस मलाई, गुलाब जामुन और जलेबी, इन तमाम के साथ जो है वो एक ज़बरदस्त फ्यूजन किया है वेस्टर्नाइज आइसक्रीम का और देसी डेजर्ट। Thank you.
खा के ट्राई करते हैं कि इसका टेस्ट है कैसा है। ओए होए 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 बॉबी भाई उसी कमाल कर देता है, कमाल हो गया यार, आउटस्टैंडिंग, मजा आ गया। भाई वो आपका चैनल कौन सा है जिस पर ये आप वीडियो अपलोड करें? भाई हमारा चैनल है द मेलबर्न वॉकर, सर्च करें आप करें यूट्यूब पे सर्च करें, चेक करते हैं भाई द मेलबर्न वॉकर, ये चैनल आ गया है सर, इसको सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जो भी वीडियो आए उसको लाइक करते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच बॉबी। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? नटराजन। नटराजन चेन्नई डोसा कढ़ाई, व्हाट अ नेम ब्रदर। नो प्राइजेस टू गेस, यू आर फ्रॉम चेन्नई? यस आई एम फ्रॉम चेन्नई। यू यूज्ड टू द सेम बिजनेस ओवर देयर एज़ वेल ओ? नो दिस इज द फर्स्ट बिजनेस, आई जस्ट स्टार्टेड 1.5 ईयर बिफोर। Previously, I was a chef for the past 18 years. Vada or sambar? ये speciality है South India की. Yes. This is Gagan. Hello, Gagan. How are you? Good. How are you? Not too bad. Thank you very much. Thank you for letting us in and showing us around. Yes. These are famous chutney, the coconut chutney, and this is the tomato chutney. This is the tomato chutney and this one is? Coconut chutney. Coconut chutney. This is the famous coconut chutney that everyone was talking about. Yeah. अभी जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो दो चार लोग जो यहाँ से ऑर्डर लेके गए थे वो बात कर रहे थे। I asked them that what was the best thing that you liked about this food truck and they said that this coconut chutney was amazing. हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? नॉट टू बैड। क्या नाम है आपका? यासिर। यासिर कहाँ से? मैं हैदराबाद से। हैदराबाद, हैदराबाद इंडिया? इंडिया वाला। इंडिया वाला हैदराबाद। ये बताएं ये ड्रॉप आउट चाय वाला भाई, ये कैसे आपने क्या सेटअप शुरू कर दिया है? ये एक्चुअली मेरा दोस्त ड्रॉप आउट है, बैचलर से ड्रॉप आउट किया है वो, तो वो ऑलरेडी एक इन्वेस्टर था पहले से, तो उसका प्लान है कि पढ़ाई क्यों पढ़ के मतलब व्हाई टू स्टडी व्हाट यू आर गेटिंग द एक्सपीरियंस। या फिर सबसे आपकी यहाँ पे सबसे ज्यादा चलने वाला आइटम क्या है? यहाँ पे सबसे ज्यादा मसाला चलती है क्योंकि यहाँ पे लाइक इन मसाला ही मसाला चाय okay. तो उसमें लाइक आपको कार्डमम और जिंजर मिक्स होती है उसमें, तो लोग ज्यादा वही प्रेफर करते हैं यहाँ पे। राइट। वो और एक हमारे पास यहाँ पे पैटी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे पनीर है और एक आलू पैटी है, लोग ज्यादा आलू पैटी खाते हैं यहाँ पे, लाइक आलू पैटी बहुत ज्यादा पॉपुलर है यहाँ पे। भाई यहाँ पे स्पाइसी हट पंजाब भी मौजूद है और पंजाब की जो सारी ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। अमृतसरी कुलचे छोले भी मौजूद हैं, पनीर कुलचे छोले भी मौजूद हैं, छोले भटूरे भी मौजूद हैं, टिक्की मसाला भी मौजूद है, और आज का जो स्पेशल है वो है मलाई पनीर और एक बटर नान जो कि $17 का है। आपका नाम क्या भाई? मेरा मोहित शर्मा। मोहित शर्मा, ये बताएं कि यहाँ पे आपका ताल्लुक पंजाब से? नहीं, हरियाणा से है। हरियाणा से, ओके। तो ये बताएं कि वहाँ पे भी आप यही काम कर रहे थे, ये बिजनेस जो है ये वहाँ वहीं से इंट्रोड्यूस कराया है मैंने सब कुछ, वहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट था, पर किस्मत यहाँ ले आई, यहाँ पे ज़्यादा पैसे हैं। मेलबर्न में देसी फूड लवर्स के लिए एक जन्नत है ये जगह। मुकेश भाई क्या हाल है आपके? बढ़िया जी, बढ़िया, आप बताइए। ये बताएं चांदनी चौक को आज आप यहाँ मेलबर्न में ले आए, क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या कब से कर रहे हैं सेटअप? ये मेरे मुझे करीबन 8 महीने हो गए हैं यहाँ पे। ओके। तो मैं इंडिया में जयपुर से राजस्थान से हूँ और दिल में इच्छा थी कि कुछ अच्छा बना के लोगों को खिलाया जाए, तो वहाँ इंडिया में जयपुर में भी क्या इसी बिजनेस से वाबस्ता थे या फिर यहाँ पे आके शुरू किया? नहीं, मेरा इंडिया में भी हॉस्पिटलिटी से बैकग्राउंड है। अच्छा, तो सब यहीं आके वो स्टार्टअप किया। तो ये बताएं कि यहाँ पे चांदनी चौक, मेलबर्न के चांदनी चौक में सबसे ज़्यादा आपकी जो सबसे पॉपुलर डिश है वो कौन सी है? कुछ भी, हमारा सारा खाना फ्रेश बिकता, सब कुछ बिकता हमारा है। सब कुछ बिकता है, सब कुछ बिकता है। लेकिन कोई एक दो आइटम ऐसे होंगे जो सबसे ज़्यादा चलते होंगे वो कौन? हमारे सैंडविचेज हैं वो ऑथेंटिक है, और जो बॉम्बे के हैं और वेज पाव भाजी वगैरह है तो
वो हमारी स्पेशलिटी है। और टिक्का वगैरह है वो मुगलई स्टाइल में हम बनाते हैं तो बेहतरीन है। चांदनी चौक पे लोगों को बुलाने के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे तो वो मैसेज देते हैं? उनको हमेशा यहाँ पे फ्रेश खाना मिलेगा, बढ़िया खाना मिलेगा, इस बात का एश्योरेंस देंगे। ज़बरदस्त, चलिए मुकेश, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट विद योर चांदनी चौक। आगरा चाट हाउस है, इसके अंदर तमाम जो इंडियन स्ट्रीट फूड है वो अवेलेबल है। और बॉम्बे पनीर सैंडविच जो है वो $17 का, ये यहाँ की स्पेशलिटी बताई जा रही है। ये बताएं कि आगरा चाट हाउस नाम क्यों है, कुछ और नहीं? हम लोग आगरा से ही हैं। आप लोग आगरा से ही हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और हमारा ये फूड ट्रक आगरा चाट हाउस क्योंकि वहाँ की काफ़ी फेमस दुकान है, तो इसीलिए मतलब हम लोग वहीं बड़े बड़े हुए हैं, तो हम लोग वहाँ पे अपने बचपन में जाते थे खाना खाने। तो इसमें आगरा में भी बिजनेस है आपका, यही काम कर रहे हैं वहाँ पे भी? समय हमारा केटरिंग का काम है वहाँ पे। ओके, तो काफ़ी अच्छा नाम है केटरिंग के में, तो ये बिजनेस यहाँ पे, ये वाला और सामने वाला मामा फ्रेंकी, दोनों एक ही है। सर जी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये आपका नाम? जगमीत। जगमीत, जगमीत भाई ये बताएं कहाँ से हैं? हम लोग हैं आगरा से। आगरा से, हाँ जी। ये बताएं कि यहाँ पे मेलबर्न में आपने मामा फ्रेंकी एंड चिकन कॉर्नर खोल लिया है, क्या सबसे स्पेशल चीज़ क्या है आपकी यहाँ? यहाँ पे सबसे पॉपुलर जो आइटम है वो है फ्रेंकीज, और मोस्टली हम लोग किचन में, हमारे किचन में मोस्टली सारे इंडो चाइनीज है, तंदूरी है, ग्रेवीज हैं, कढ़ाई सेक्शन है, तो जो सबसे सिग्नेचर डिशेज हैं वो फ्रेंकीज हैं। फिर हम लोग का इंडो चाइनीज भी बहुत पॉपुलर है, कढ़ाई सेक्शन है, तंदूर से काफ़ी आइटम्स निकलते हैं, तंदूरी चिकन, मलाई टिक्का, अफगानी चिकन, तो बेसिकली हर चीज़, हर सेक्शन से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट सिग्नेचर डिशेज हैं। कहाँ से ताल्लुक है आपका? बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश में किधर से? ढाका। चले भाई बांग्ला, यहाँ पे ये इंडो पाक बांग्लादेश सारा जो है वो जो सब कॉन्टिनेंट है वो जमा हो गया है। और ये देखें आप, ये कौन सी चिकन है? अफगानी चिकन। ये अफगानी चिकन यहाँ पे रेडी हो गई है। ये भी यहाँ पे फूड ट्रक मौजूद है। भाई कहाँ से ताल्लुक है आपका? इंडिया से। इंडिया में किधर से? हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद और पंजाब कॉम्बिनेशन है भैया हमारा। हैदराबाद और पंजाब का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपने इंट्रोड्यूस करा दिया है मेलबर्न में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका चलने वाला आइटम क्या है? ज़्यादा तो हमारे, अगर पंजाब का जब देखते हैं तो ज़्यादा पानी पूरी जाता है हमारे पास, और चाट्स जाते हैं सारे, मोमोज है, और हैदराबाद से नूडल्स है, राइस है, जो स्टार्टर्स है चिल्ली चिकन वगैरह जो भी है वो सारे। ये कब से कर रहे हैं काम? ये ऑलमोस्ट 4.5 ईयर्स हो गया। तो इन नेचुरल स्ट्रीट किचन यहाँ पे टिक्की चाट, समोसा चाट, पापड़ी चाट, बाला पापड़ी चाट, ये प्राइसेस के साथ इनकी यहाँ पे मौजूद है। सो टेल मी हाउ डिड यू कम अप विद दिस मोमो नूडल्स आइडिया? या वी आर स्पेशलाइज्ड इन दिस वन, सो वी स्टार्टेड दिस ट्रक 2.5 ईयर्स एगो, and because of people demanding, we have opened a new restaurant, a sitting restaurant, proper restaurant in Tarnet Shopping Center. Okay. In a western suburb in Melbourne. भाई पदम भाई का जो है वो मोमो नूडल्स इतना पॉपुलर हो गया है कि उन्होंने यहाँ इस फूड ट्रक के बाद टार्नेट शॉपिंग सेंटर में एक प्रॉपर रेस्टोरेंट भी खोल लिया। तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं भाई, व्हाट्स योर नेम ब्रदर? गणेश। गणेश भाई, व्हाट आर यू ईटिंग टुडे? Today we had something from Chittagaril. Yeah. We had some punglu, we had some dahi vada, we had the Afghan, and we had some malai chicken. So it was pretty good. How was the food? How would you rate the quality? I would say about 9 out of 10. Yeah. It's pretty good, tasty. Yeah. The environment is pretty good. So tell me something about this place, because it's not very often that you see ke jahan pe tamam ek Indian street food jo hai wo ek jagah pe available hai. So what do you have to say about that? No, it's pretty good. It's growing. It has been changing from years. I've been coming here for like probably 3 years, 4 years. It's been changing. They're improving. They have the new floors. It's a bit organized now. Do you want to say something? I just want to say yummy. Yummy? Yummy. You're right. What is that? Is that chicken? Afghan chicken. How was Afghan chicken? To be honest, it's spicy. I like spicy food. Yeah? So, yeah, it's yummy. That's it, I can say. Awesome. Thank you so much. Thank you. So,
भाई आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। Until next time, it's the Melbourne Walker signing off. Have a good day.